पर्सनल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है, पर्सनल केबिन करते हैं तो। हम लोग कॉमन वाले में जा रहे हैं तो 107 रुपीस आने जाने दोनों का है। लाइन से आपको पहाड़ों की श्रृंखला दिख रही होगी, ये जो पहाड़ों की श्रृंखला दिख रही है वो है अरावली की पहाड़ियाँ, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। और यहाँ से आप सीढ़ी भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग मंदिर लगभग पहुँच ही गए हैं और जैसे ही पहुँचते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, प्लस यहाँ भंडारा हो रहा है। इसके अलावा आप पीछे की ओर देखते हैं दोस्तों तो श्री मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर उदयपुर, ये मेन द्वार आ गया और अभी जस्ट मंदिर बन रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग आए हैं उदयपुर। उदयपुर में घूमने लायक बहुत सारी अच्छी जगह है। हम लोग विज़िट कर रहे हैं अभी करणी माता मंदिर, जिसके लिए आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन रास्ता है, सीढ़ी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता है, रोपवे से जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध होती है। हमारे पास रोपवे का टिकट अवेलेबल हो चुका है, 163 नंबर आया है। और जस्ट अभी थोड़ा फ्री टाइम था तो मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। और पीछे में आप देख सकते हैं रोपवे का जो टिकट बुकिंग होता है वो काउंटर है यहाँ पर। इसके साथ ही कुछ विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि फेमस जगह है करणी माता मंदिर और उदयपुर आया दोस्तों तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए। अभी मैं बैक कैमरा करता हूँ और आगे की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों ये है रोपवे टिकट बुकिंग काउंटर, यहाँ से रोपवे टिकट बुक करते हैं। और रोपवे टिकट काउंटर के जस्ट ऊपर देखते हैं तो आपको मंदिर दिखेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये मंदिर है और रोपवे भी दिख रहा होगा आपको, और साथ में एक वानर भी बैठा हुआ है, बंदर भी बैठा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए रोपवे आ रहा है तो रोपवे की भी फैसिलिटी आपको देता है, तकरीबन 107 रुपीज़ पर पर्सन लगा है। अगर पर्सनल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है, पर्सनल केबिन करते हैं तो। हम लोग कॉमन वाले में जा रहे हैं तो 107 रुपीस आने जाने दोनों का है, उतना रुपये हमारा टिकट लगा है। तो ये टिकट काउंटर है दोस्तों और अभी हम लोग चल रहे हैं रोपवे के और 163 नंबर है, देखते हैं वहाँ पर कितना वेट करना पड़ सकता है अपने को। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे इस वीडियो पे। दोस्तों हमारा नंबर था 163 और नंबर आ चुका है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं रोपवे की ओर। ये देखिए रोपवे भी आ चुका है, अभी रोपवे में बैठ के मैं आगे का आपको सुंदर दृश्य दिखाता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आप सीढ़ी भी देख सकते हैं दोस्तों, सीढ़ी का भी रास्ता है ऊपर जाने का, लेकिन अभी हम लोग रोपवे से जा रहे हैं तो हमारी जो ट्रॉली है अभी आ रही है, विज़िट कर रही है, फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों हम लोग करणी माता मंदिर के जो पहाड़ी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप पूरा उदयपुर देख सकते हैं दोस्तों, प्लस मैं अभी आपको यहाँ पर भी ले जा कर दिखा रहा हूँ व्यू कैसा आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ से आपको मिल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं इस ओर और थोड़ा व्यू देखने के लिए रुक गए हैं यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ से आपको मिल रहा है। उदयपुर महाराणा प्रताप जी के पापा का नाम था, उनके पिताजी का नाम था, और महाराणा प्रताप ने अपना राजधानी उदयपुर को ही बनाया था। और ये झील देख सकते हैं, लाइन से आपको पहाड़ों की श्रृंखला दिख रही होगी, ये जो पहाड़ों की श्रृंखला दिख रही है वो है अरावली की पहाड़ियाँ, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। और यहाँ से आप सीढ़ी भी देख सकते हैं दोस्तों, खतरनाक रास्ता है लेकिन आने वाले लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अद्भुत नज़ारा। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से पूरा उदयपुर का। और ये रोपवे जहाँ से हम लोग अब ये आए हैं, ज़बरदस्त नज़ारा दोस्तों, ज़रूर विज़िट करिएगा। अभी बढ़ते हैं हम लोग मंदिर की ओर आगे। दोस्तों हम लोग मंदिर का द्वार लगभग पहुंच ही गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगमरमर का अभी भी काम चल रहा है, मंदिर का वर्क हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। रोपवे से आए हैं तो उतना ज़्यादा थकान नहीं हो रही है, लेकिन जब आप सीढ़ियों से आते हैं तो आपको ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है क्योंकि थोड़ा धूप यहाँ पर बढ़ गया है। दोस्तों हम लोग मंदिर लगभग पहुँच ही गए हैं और जैसे ही पहुँचते हैं यहाँ पर
एक शिवलिंग है जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, प्लस यहाँ भंडारा हो रहा है। इसके अलावा आप पीछे की ओर देखते हैं दोस्तों तो श्री मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर उदयपुर, ये मेन द्वार आ गया और अभी जस्ट मंदिर बन रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और माता का दर्शन आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। मैं वीडियो को अभी थोड़ा रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मोबाइल यूज़ करना वर्जित है, तो उसके लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अंदर मंदिर में मोबाइल से वीडियो लेना थोड़ा मना है दोस्तों, और प्लस यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है तो बहुत नॉइस आता बैकग्राउंड में, इसलिए मैं ज़्यादा आपको अंदर पे माता का दर्शन नहीं करा पाया, उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। प्लस आप देख सकते हैं ये मंदिर का बैक साइड है और यहाँ पर पूरा व्यू आपको मिल रहा है। देखिए पूरा ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, पूरा उदयपुर यहाँ पर आपको दिख जाता है। अभी हम लोग और आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ से दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से पूरा उदयपुर नज़र आता है। महाराणा प्रताप जी ने अपना राजधानी यहीं पर बनाया था उदयपुर को, बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे हम लोग। दोस्तों संडे है लेकिन उतना भीड़ नहीं है यहाँ पर, मौसम सुहाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भंडारा चल रहा है और हम लोग यहाँ पर भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है भंडारा का प्रसाद, भंडारा प्रसाद ग्रहण करके आगे का वीडियो बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ भंडारा चल रहा है और यहाँ साप्ताहिक भंडारा चलता है, आप देख सकते हैं कि आने वाला जो भंडारा रहेगा वो कौन करवा रहे हैं उसके हिसाब से। प्लस यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसको सेल्फ सर्विस के तहत साफ़ करना है, क्लीन करना है और उसको यहाँ पर बक्से पे रख देना है ताकि उसका फिर से यूज़ हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है दोस्तों मंदिर में कि आप माता के दरबार पे आए हैं तो आपको अपना काम स्वयं करना है करणी माता मंदिर के, और बहुत ही बढ़िया शिवलिंग और यहाँ से पूरा उदयपुर आपको मिलता है देखने को। दोस्तों हम लोगों ने करणी माता जी का दर्शन कर लिया है, अब हम लोग वापस रोपवे से नीचे जाएंगे। देखिए रोपवे को आप देख सकते हैं यहाँ से आते हुए, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जब मंदिर से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा रोपवे का टोकन नंबर। टोकन नंबर लेने के साथ ही यहाँ पर आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर आपको हर चीज़ की डिश अवेलेबल है, प्लस खाना वगैरह भी अवेलेबल है। अभी 177 नंबर का टोकन चल रहा है हमारा, 192 है, तो मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को तकरीबन 10-12 नंबर का, और फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तब तक यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर डिनर लंच करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है दोस्तों। तो हम लोग अभी वेट करते हैं हमारा टोकन आने का। प्लस इसके साथ ही आगे देख सकते हैं वहाँ गेम जोन भी है बच्चों के लिए, तो गेम भी खेल से खिला सकते अपने बच्चों को। तो वेट करते हैं दोस्तों हम लोग अपने रोपवे टोकन नंबर का, फिर बढ़ते दोस्तों आगे हम लोग। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं नीचे माता के दर्शन करके वापस वहीं पर जहाँ पर हम लोग रोपवे का टिकट लिए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और एक बार ज़रूर विज़िट करिए उदयपुर माता करणी माता मंदिर, बहुत ही बेहतरीन जगह है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।